गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पार्ट 10 सुंदर प्रकृति के लिखित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हम पिछले वाले वीडियो के अंदर मौखिक प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, आज हम लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के नीचे वन लाइन लेफ्ट करेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर एक लिखेंगे, कवि क्या लगाने को कह रहा है। आंसर लिखेंगे आप इसका, कवि अपने घर आंगन में चंपा, जूही, गुलाब व पलाश के फूल लगाने के लिए कह रहा है। आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम वन लाइन लेफ्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न नंबर दो लिखेंगे, ऑक्सीजन क्या है, इसकी मात्रा कैसे बढ़ेगी। ऑक्सीजन प्राणवायु है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं उसे हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन गैस होती है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। और हम जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो पेड़ पौधों को सांस लेने में काम आती है। पेड़ पौधे अपने सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग करते हैं, और पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्राण वायु है। इसकी मात्रा कैसे बढ़ेगी, आपको सभी को पता है कि जब ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है तो जब हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें इसकी अधिक मात्रा प्राप्त होगी। चलिए लिखिए आप, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पौधे लगाने पर इसकी मात्रा बढ़ेगी। अब आप प्रश्न नंबर थ्री लिखेंगे, वन लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न नंबर थ्री लिखिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें स्वच्छ बनाने के लिए क्या करना होगा। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे
लगाने होंगे। आंसर है हमारा, क्वेश्चन है वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ बने। तो आंसर है वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे। जितने ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे जग भर को किसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं? बच्चे जग भर को किसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं? आंसर लिखेंगे हम इसका, बच्चे जग भर को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बच्चे जग भर को किसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं? बच्चे जग भर को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में, साफ साफ और मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।